सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी आईपीएल को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के दूसरे चरण का बिगुल जल्द ही बजने वाला है जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं फैंस में उत्साह दोगुना हो चुका है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के समर्थकों के लिए खुशी की खबर ये रही कि चेन्नई की प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया गया। तो चलिए बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने किन 11 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें 2021 का आईपीएल का दूसरा चरण 19 सितंबर से शुरू होने वाला है जिसके लिए सभी खिलाड़ियों से लेकर प्रशंसक काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। बता दें इस दूसरे चरण का पहला मुकाबला ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है क्योंकि ये मुकाबला आईपीएल की दो सबसे धुरंधर टीमों के बीच खेला जाएगा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। बता दें चेन्नई सुपर किंग्स का पहला पलड़ा अभी फिलहाल मुंबई के मुकाबले में काफी ज्यादा हावी है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर विराजमान है, वहीं मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है। अगर टीम की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुकाबले में कहीं से ज्यादा घातक नजर आ रही है। बता दें अब बाकी के बचे मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। बता दें चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सलामी बल्लेबाजी का सारा दारोमदार संभालते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस। उन्होंने अब तक इस मुकाबले में खेले गए बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था। वहीं इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए फाफ डुप्लेसिस के साथ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने इस नंबर पर बल्लेबाजी करके बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे चेन्नई के सबसे होनहार बल्लेबाज सुरेश रैना जिन्होंने अब तक इस आईपीएल में बड़े शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया है। दोस्तों वहीं इसके बाद पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे अंबाती रायडू जिन्होंने हमेशा से ही चेन्नई की ओर से खेलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वहीं इसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अब तक बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया लेकिन वो बतौर कप्तान इस टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे घातक ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन जो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ाने की क्षमता रखते हैं। उसी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी वो काफी शानदार प्रदर्शन करके विपक्षी टीम को धराशायी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आठवें नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक और वो है रविंद्र जडेजा जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। जब उन्होंने एक ही ओवर में 37 रन जड़ दिए थे वो बाकी के बचे टूर्नामेंट के लिए भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी ज्यादा अहम खिलाड़ी हैं। दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो दीपक चार और शार्दुल ठाकुर ये दोनों चेन्नई सुपर किंग्स की तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को देखकर आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं अब जल्दी भारत के सबसे धमाकेदार क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और इस दूसरे चरण की शुरुआत होगी आईपीएल की सबसे दो घातक टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जिसके लिए खिलाड़ियों से लेकर प्रशंसक काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कब और कहां लाइव इस धमाकेदार मुकाबले का मजा उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में कौन बेहतरीन टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर को आईपीएल की दो सबसे बेहतर टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ब्लॉकबस्टर मैच के साथ होगी। बता दें मई की शुरुआत में कोरोना के कारण टूर्नामेंट के 14वें संस्करण को स्थगित करना पड़ा था और 9 अप्रैल को भारत में ही टूर्नामेंट शुरू हुआ था लेकिन कुछ खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के संक्रमित पाए जाने के कारण 4 मई को 29 मैच के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था। अब बाकी बचे मैचों का आयोजन यूएई में होगा। इस बीच दूसरे चरण के पहले मैच के साथ साथ प्लेऑफ की तारीख को लेकर एक बेहद ही अहम जानकारी सामने आई है। तो चलिए बता दें आपको इस जानकारी के बारे में। दोस्तों बता दें 19 सितंबर को आईपीएल की दो सबसे बेहतर टीमें एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी और ये मुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। इस आईपीएल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद सभी फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। दोस्तों बता दें इस बार टूर्नामेंट में स्टेडियम में 50% प्रशंसकों की आने की अनुमति दे दी गई है। इस वजह से इस टूर्नामेंट में हमें मैदानों में दर्शक खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई
इंडियंस के मैच से होगी और 10 अक्टूबर को पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। वहीं इसके ठीक अगले 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा और 13 अक्टूबर को दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा। दोस्तों बता दे, जो टीम पहले क्वालिफायर हारेगी, जो टीम एलिमिनेटर जीत कर आएगी, वो दोनों टीमें दूसरे क्वालिफायर में एक दूसरे से भिड़ती नजर आएंगी और इस धमाकेदार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोस्तों बता दे, अभी फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के टेबल पर पहले पायदान पर है और वहीं सबसे आखिरी पायदान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीत कर ट्रॉफी अपने नाम करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।